सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सप्लाई स्केड्यूल. दिस रेफर्स टू एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, बोथ टू एंड थ्री. क्या है ये? यहाँ पर ये सप्लाई स्केड्यूल देखकर मुझे एक चीज समझ आई है, मैं वो कंक्लूजन यहाँ पर लिख देता हूँ. वट इज माई कंक्लूजन और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस सप्लाई स्केड्यूल इज कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तुम भी देखो तो प्राइस 25 से 35 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो रहा है. एंड उस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है. तुम्हारे सामने है, देखो प्राइस इंक्रीज हुआ एंड उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई. प्राइस 10 रुपए इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 20 यूनिट्स इंक्रीज हो गई. तो जब प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज देखने को मिलता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई. सर यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हम उसको इंक्रीज इन सप्लाई नहीं बोल सकते? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते. इंक्रीज इन सप्लाई तब यूज करा जाता है जब अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हमें सप्लाई में इंक्रीज देखने को मिलता है. जब कुछ अदर फैक्टर में चेंज आया, टैक्सेस में, सब्सिडीज में, टेक्नोलॉजी में, ये सब अदर फैक्टर्स हैं. जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है एंड उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है तब इंक्रीज इन सप्लाई वर्ड यूज़ करते हैं. वरना अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है तो हम यूज़ क्या वर्ड या वर्ड क्या यूज़ करते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर एक्सपेंशन इन सप्लाई वर्ड यूज़ करते हैं. एक्सपेंशन इन सप्लाई. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. कौन सा है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.